डीसी में ऋषभ लगा दिया जा रहा है. ऋषभ पंत लाइकली टू बी रिलीज एज फ्रेंचाइज वॉन्ट्स टू रिटेन हिम एज अ प्लेयर ओनली. दे वॉन्ट टू चेंज द कैप्टन. डीसी विल रिटेन अक्षर पटेल, जेक फ्रेजर मैकगर्क एंड कुलदीप यादव. हाँ जी, यही तीन रिटेन होंगे इनके लिए. लेकिन अनकैप में रसिक सलाम जी हाँ चाहिए. बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि करेंगे अभी इतने बड़ी बेवकूफी होगी नहीं लगेंगे तो. अगर बहुत बड़ी बेवकूफी होगी जैसे खिलाड़ी को छोड़ दे रहे हैं ये तो... अगर ऋषभ को छोड़ने का अलग रीजन है, वो पूरी की पूरी मैनेजमेंट ही चली गई और वो लीडरशिप ग्रुप ही जा रहा है नए तरीके से शुरुआत. मैनेजमेंट फिर रसिक सलाम को नहीं. अरे रसिक सलाम तो यार इनके कैंप का थोड़ी है. नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब मैनेजमेंट ने सब कुछ ही चेंज कर दिया तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्या पुरानी मैनेजमेंट में. रसिक सलाम जब आपको 4 करोड़ में ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, उसको क्यों आप छोड़ोगे अनकैप्ड में. आप मेरे को ऑक्शन में भी जाओगे ना, रसिक सलाम उससे महंगा ही बिकेगा इस बार देख लेना. जो इस तरीके की बॉलिंग, इमर्जिंग एशिया कप में इंडियन प्लेयर है, इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, उसको कोई नहीं छोड़ने वाला रसिक सलाम को. रखेंगे लोग, ये रखेंगे रसिक, अक्ल होगी तो रख लेंगे, बाकी पता नहीं भाई इनका क्या होगा. भगवान भरोसे हैं, इनकी टीम कोई है दिखाएं जरा. आप नए कप्तान के साथ नई टीम देखें. नए कप्तान के साथ वेलकम बैक, वेलकम बैक श्रेयस अय्यर वापस आ गए. वेंकटेश अय्यर, जेक फ्रेजर मैकगर्क, नितीश राणा, श्रेयस अय्यर, हैरी ब्रुक, स्टब्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद शमी. हरा के दिखा दो भाई ये टीम. अगर हरा के दिखा दो, ये मैं बहुत मेहनत से बनाई चैलेंज दे रहा हूँ, हरा के दिखा ये टीम. अगर इम्पैक्ट सब हमें बढ़िया चाहिए. रसिक आ गया भाई, रसिक सलाम आपका बॉलर आ गया, और बैटर में एक और ले लो कोई भी बैटर. स्टब्स के बाद या स्टब्स से पहले कोई बढ़िया बैटर कोई भी ले लो एक भाई. ये हरा के दिखा दो, विनिंग टीम है यार. आरसीबी पंजाब हमने देखी थी. अरे बच्चे हमारे आरसीबी पंजाब देखी थी, उससे तगड़ी टीम लग रही है. पहला यार वाकई में इस बार कितनी बुरी. मैंने सोचा कि ये टीम बड़ी बैलेंस बन रही थी. अरे बढ़िया टीम, राणा जी के साथ अय्यर आतंक हो गया. हैरी ब्रुक आजा, पिछली बार खेल नहीं पाया था. हैरी ब्रुक भी आतंक है. और स्टब्स वगैरह आप लिविंगस्टन ले लें इंपैक्ट में. क्यों लेना है लिविंगस्टन यार, ओवरसीज 4 हो गए तो गए. एक इंडियन चाहिए बढ़िया फिनिशर जो हिट्स लगा ले. नमन धीर ठीक है, नॉट बैड, हम ले लेंगे. मुंबई प्लेयर है भाई. हाँ ले सकते हैं. अगर किसी को लिया तो कुछ हाँ, बुरा नहीं है लेकिन हमें उससे बेटर कोई अगर ऑप्शन मिले तो हम कंसीडर करने को तैयार है. तीन नंबर पे राणा जी थोड़े खटक रहे, लेकिन यार राणा जी यार तीन नंबर बहुत मारेगा बता रहा हूँ. दिल्ली में खेलेगा तो दिल्ली से ही खेल. चलिए रख लीजिए, टाइम रख लीजिए. अय्यर को खिला की राणा, अय्यर बता रहा हूँ मैं तो धागे खोल बता रहा हूँ मैं. राणा और अय्यर की जोड़ी वो 3 और 4 वो डीसी को ट्रॉफी जितवाने वाली जोड़ी होगी. अभी बस तो आप अभी से ट्रॉफी दे बता रहा हूँ. अगर ये जीतवा कोबरा लेकिन ट्रॉफी लेकिन आप ये टीम वो बना लेंगे. कप चाहिए ना आपको, कप ट्रॉफी. कप ट्रॉफी बोला, कप नहीं बोला. कप आप रखें, आपके पास वैसे ही बड़े सारे लोग. देखिए मैंने तो देखिए आप कप रखे फालतू में टेंशन ले रहे हैं कि डीसी ऐसे वैसे, लेकिन अगर क्या ये सोचेंगे इस तरीके से? नहीं सोचना चाहिए इस तरीके से. सोचेंगे तो कब सोचेंगे इस तरीके से सोचेंगे. लेकिन जो शमी भाई आपने रख लिया ना वो ठीक नहीं लग रहा मुझे. शमी भाई गुजरात में ही रहेंगे अभी. वो शुभमन गिल, राशिद खान और राहुल तेवतिया, ये तीन नाम कंफर्म है. शमी को छोड़ देंगे, कंफर्मेशन नहीं है, इंजरी कंफर्म. शमी हमें दे दीजिए, हम तो बीजेटी नहीं खेल रहे, बीजेटी नहीं खेल रहे. चैंपियन ट्रॉफी का क्वेश्चन, स्वागत करते हैं मोहम्मद शमी का हम खुली बाहों के साथ. इस्तकबाल एक साल हो गया शमी खेलते थे. शमी भाई की राहों में पलके बिछाए, कोबरा और पांडे, ये होगा दिल्ली के लिए. कार्ड के ऊपर छपवाऊंगा. वाह, तो आ जाए शमी भाई. और एक कोई लेकिन बढ़िया फिनिशर अभी भी मैं बोलता हूँ कि चाहिए होगा मुझे. स्टब्स इंडियन काफी है, स्टब्स ठीक है. इंडियन कोई इंपैक्ट में बोल रहा हूँ, इंपैक्ट बिना कोई बढ़िया चाहिए, लेकिन ओवरऑल फिनिशर नहीं मिलेगा. इंप्रेशन बढ़िया लग रहा है. फिनिशर तो आपको स्टब्स वगैरह ही रखना पड़ेगा, कोई और आप इंडियन नाम ले लें. फिनिशर कोई नहीं इंडियन. अभिषेक पोरेल भी है हमारे पास. अभिषेक पोरेल वो बुरा बैटर नहीं है, यूज कर सकता है. इस बार दिल्ली के लिए अच्छा करा था उसका यूज ऊपर ही है. अभिषेक पोरेल ने अच्छा नहीं नहीं नीचे भी आगे कर सकता है, वो उन्होंने खेला है तेज. अरे नीचे जब स्टब्स पड़ा है तुम्हारे पास अक्षर पटेल है तो आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो. अभिषेक पोरेल ऊपर ही खेलता है. अभिषेक पोरेल आपका बैकअप है, हम बात कर रहे हैं जो लगातार एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल जाए. रमनदीप अगर हमें मिल जाए तो रमनदीप केकेआर अगर केकेआर छोड़ दे. अच्छा आयुष बदोनी, अनुज रावत, इनमें से कोई नहीं चाहिए? आयुष बदोनी, अनुज रावत, ये सारे प्लेयर जो है. आयुष बदोनी तो खेल सकता है, एलएसजी में है. अच्छा आयुष बदोनी को तो वो रिटेन करने की सोच रहे हैं अनकैप्ट. अरे चलो आयुष बदोनी को रिटेन करने. नहीं नहीं अभी वो पक्का नहीं है. आयुष बदोनी कंफर्म नहीं है. मेरे को तो यही चाहिए, या समीर रिजवी टाइप को दे दो. समीर रिजवी छक्के मार ले. कुमार कुशाग्र को लिया. कुमार कुशाग्र आपने लिया? कुमार कुशाग्र भी ठीक है, समीर रिजवी अच्छे छक्के मारता है. उसको बैक कर लो. समीर रिजवी सही है मेरे लिए. समीर रिजवी इज गुड, आ जाए तो बढ़िया. उसको इंपैक्ट में डाल के ना कभी भी बोलो कि भाई लाइसेंस टू किल, आप मारिए छक्के. वो सही खेल सकता है समीर रिजवी. आ सकता है वो, बढ़िया. स्पिनर्स को भी सही स्काउटिंग करना पड़ेगा. वैसे भी सीएसके उसको पसंद है. नहीं और उसने बोल तो दिया वैसे कि उसको सीएसके ने निकाल दिया ना, बेसिकली निकाल देंगे इस साल.
वो ऐसा बोल ही रहा था कि झूठ बोलना तो उसने सीएसके ही बोल दिया बेस्ट फ्रेंचाइजी में, क्लियर कर दिया उसने, लग रहा है कि मुश्किल ही है। बाकी ये टीम कैसी लगी? टीम अल्टीमेट है, टीम जीतने वाली है, टीम को ट्रॉफी दे दी जाए। किंग कोहली बोले ताड़ी लाल जी नमस्ते, अंशुज भाई आई थिंक ही वाज सोनी ब्रॉडकास्ट वाज अमेजिंग, स्टार इज इनटू टू मच ऑफ क्रिकेट एंड योर व्यू ऑन दिस आईपीएल दैट वाज अमेजिंग। मतलब कौन सा वाली व्यू? ये जो लास्ट आईपीएल हुआ है, अच्छा था आईपीएल, मजा आया था। द वे सोनी ब्रॉडकास्ट वाज अमेजिंग, अच्छा आईपीएल जब वो आईपीएल करते थे सोनी पे, सोनी उसमें वो होता था मंदिरा बेदी सब होते थे और भी होते थे, समीर कोचर ये सब थे, उसमें मजा आता था देखने में। मैंने तो ये देखा नहीं खैर ज्यादा, लेकिन वो वाले तो जमाने गए बीते हुए भाई, बहुत साल हो गए, वो तो कब का, बड़े सालों पहले। नहीं वो तड़का जो था वो लगाते थे शहरी पाजी उस टाइम पे। ओके, अलग ही सीजन आए आईपीएल का किया शहरी पाजी ने सीजन, हाँ किया ना आईपीएल किया था ना, हाँ ब्रॉडकास्टर में थे वो, कमेंट्री पैनल में थे। उस टाइम की जो आप बात कर रहे हैं उस टाइम शहरी पाजी और ये बड़ा, हाँ वो बैठते थे उसमें। लोग कह रहे हैं विकेट कीपर मिसिंग, नहीं क्या बात कर रहे हो यार, हैरी ब्रूक कर तो स्टब्स कर तो लेता विकेट कीपिंग, कर लेता है, कर विकेट कीपर ही है वो, विकेट कीपर वो अलग से फील्डर कर बना कर रखा, वो अलग चीज है, ट्रिस्टन तो विकेट कीपर ही तो है। और बाय द वे विकेट कीपर के लिए आपको आपके पास अभिषेक पुरेल भी है, उसको तो आप रिटेन कर ही रहे हो, डालना पड़ेगा ना। तो ठीक है, मैं कह रहा हूं स्टब्स कर लेगा, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं शामी भाई को इंपैक्ट में लिया ना, अभिषेक पुरेल को डालो, अभिषेक पुरेल को टीम में डालो, ऐसे कर सकते, बैटिंग होगी आपकी लंबी, नहीं है तो सही ऑप्शन तो है, बहुत ऑप्शन है, अभिषेक पुरेल डाल दो और मोहम्मद शमी का लिख दो इंपैक्ट, इंपैक्ट में डाल दो बस। पृथ्वी शॉ लिख रहे लोग भाई, उसको मुंबई ने निकाल दिया, हम क्या करेंगे उसको रख के, पृथ्वी शॉ नहीं हो सकता, उसने बर्बाद ही करा दिल्ली को जब भी करा, वो चाहता लड़का तो जीत, एक्चुअली उसने जब क्वालिफायर में मारे थे ना रन चेन्नई के अगेंस्ट, उस साल हमको जीतना चाहिए था, उसमें एंड में जाके दे दिया तुमने टॉम करन को धोनी के सामने, उन्होंने फेल दिया और मैच वहां हार गए, और फिर क्वालिफायर टू भी हार गए आप केकेआर से, और सीएसके केकेआर फाइनल हो गया, सीएसके जीत गया एज यूजुअल, हमारी किस्मत में खराबी हो गई, लेकिन चलो डीसी की ये टीम इतनी बुरी भी नहीं है। आप लाइक जरूर करेगा, सब्सक्राइब जरूर करेगा, टाइम फॉर श्रेयस अय्यर, अगर ये टीम बना लेते हैं रिडेम्पशन क्या है बेचारे को, अगर जीतने के बाद भी कोई नहीं पूछ रहा तो और आदमी क्या करेगा बेचारे को डीसी से निकाल दिया, सुपर चैट जरूर दिखा दिया, केकेआर से निकाला जा रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है भाई साहब को, इंडियन टीम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हालतें खराब चल रही है, खात्मा लग रहा है करियर का मुझे तो, इंजरी भी हो गई ऊपर से, फिर से शोल्डर इंजरी हो गई है और अभी फिलहाल रणजी ट्रॉफी का मैच मिस करेंगे, तो श्रेयस अय्यर का भी समय जो है वो बहुत ही भारी चल रहा है फिलहाल, बट ये टीम है सॉलिड, तीनों टीमों में से सबसे बेहतरीन मुझे ये टीम लगी थी दिल्ली कैपिटल्स की जो बनी जी। आगे आ जाइएगा, देखें जी मोहम्मद शमी आ गया, अभिषेक पुरेल आ गया, पांच पे श्रेयस अय्यर, हैरी ब्रूक, नहीं टीम इज गुड, और इसमें तो आपकी बैटिंग और लंबी हो रही है, अक्सर तक हो रही है, अक्सर आठ पे आ रहा है, नो डाउट It's a good team, and as I told you all that DC is better than all of other teams. So please give us a trophy already. Get lost and give us a trophy. Give us a trophy. अच्छी चल रही है. आप ना इसमें अगर ओपन करवाना है आपने तो आप ओपन करवा लें ब्रुक और फ्रेजर से, वेंकटेश अय्यर तीन पे, चार पे राणा जी, ब्रुक ओपन 100 बनाया भाई एसआरएच से, कहते वेंकी और जेक फ्रेजर में गर्ग दोनों सही तो करें, राइट लेफ्ट प्लेयर है, अच्छा है, राइट लेफ्ट है, दोनों तगड़े हिटर हैं, वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट में अच्छा, मतलब पावर प्ले ब्रुक नीचे हो जा रहा है बहुत, क्या दिक्कत है, वो तो कर लेगा वो वहां पे इंग्लैंड के लिए भी तो करता है भाई, ऊपर भी कर सकते हैं, तो अभी ऐसे लिखा है ना ऊपर भी कर सकते हैं, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जीतना हम नहीं है इस बार, मैं आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं, ये टीम मैं कह रहा हूं कि ये भी आप तस्वीर, मैं डीसी वालों को फोन करके ये टीम बनाई है, हमने आपको एडवाइस करने के लिए तैयार हूं, यही टीम बनाई है हमने, सफाचड़ भाई साहब बनाएंगे सफाचड़ भाई साहब, मैं खुद बनवाऊंगा सफाचड़ भाई साहब, तो मैं एडवाइस करूंगा, बढ़ाते रहेंगे बिट बढ़ाओ, टीम नहीं बनानी, सिक्स बॉलर नहीं है, लिख लो जो लोग लिख रहे हैं भाई, वो इंपैक्ट में आ जाएगा ना, रसिक आएगा ना, रसिक आ जाएगा इंपैक्ट में, रसिक सलाम बढ़िया है वो।